नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संध्या नवदा भक्ति का रूप है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आज हम इसमें द्वितीय क्रिया अंग स्पर्श यशोबल के मंत्रों की व्याख्या करने वाले हैं। संध्या जो है नवदा भक्ति का एक स्वरूप है, उसके बारे में हमारी लगातार चर्चा चल रही है। आज उसका अगला भाग द्वितीय मंत्र की व्याख्या, अंग स्पर्श और यशोबल के मंत्र किस प्रकार नवदा भक्ति के रूप में जुड़े हुए हैं, संध्या क्यों जरूरी होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। निर्बल व्यक्ति जो सशक्त नहीं होता, वह किसी भी कार्य में तत्पर होने की इच्छा नहीं रखता। कभी यत्न करता भी है तो उसे पूर्णतः सफलता जो है मिलेगी, इसके लिए सदा ही सत्संग रहता है। प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए यशोबल का शरीर में होना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि परमात्मा की उपासना का प्रश्न है तो वह ठीक प्रकार से प्रभु की उपासना कर ही नहीं सकता जब उसके अंग सशक्त जब तक ना हो जाए, यशस्वी हो जाए, उसमें यशोबल यश पाने का बल है तो ही वह प्रभु की प्रार्थना कर सकता है, साथ ही जनता जनार्दन की सच्ची सेवा करने का यश प्राप्त कर सकता है। अर्थात बल का होना बहुत आवश्यक होता है, बल का होना, सशक्त होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमने पिछले एक भाग में हमारी चर्चा निकली थी तो हमने बताया था, पंचतंत्र में भी चर्चा निकली थी तभी बताया था कि पुराने ज़माने के जो विद्वान होते थे वो कहते थे कि जो युवक होते थे, युवती होते थे, जिनमें बल होता था भारी मात्रा में, आज हम जो पीढ़ी आ रही है हमारी, उनके अंदर वो क्षमताएँ, वो बल नहीं है। और बल का होना आवश्यक होता है, इवन ईश्वर के लिए भी आवश्यक होता है। जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं तब भी बल की बहुत आवश्यकता लगती है। जब आप साधना ही नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना ही नहीं कर पाएंगे, उतनी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें बल नहीं होता उपास, वो अगर किसी कार्य को आरंभ भी करेगा, चाहे कोई साधना हो उपासना हो, तो वो कुछ दिनों के अंदर बंद कर देगा। वो पूर्णतः सफल नहीं होगा चीज़ों में, क्योंकि उसको खुद अपने आप पर शंका रहेगी। इसीलिए मंत्र इसके इस प्रकार हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदय, ओम कंठ, ओम शिर, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपनात शिरसि, ओम भुवा पुनात नेत्रयो, ओम सह पुनात कंठे, ओम महापुनात हृदय, ओम जनः पुनात नाभ्याम, ओम तपः पुनात पादयो, ओम सत्यम पुनात पुनशिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनात सर्वत्र। इस मंत्र के यह अंग स्पर्श मंत्र वास्तव में शक्ति संपन्न होकर यशस्वी बनाने में समर्थ होते हैं। जब हम आचमन कर अपने चित्त को शांत कर लेते हैं तभी हम अंग स्पर्श की अवस्था में आते हैं। वास्तव में अंग स्पर्श के माध्यम से हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का निरीक्षण कर रहे होते हैं, हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों की परीक्षा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमारे शरीर का कोई अंग ढीला या दुर्बल तो नहीं हो रहा है, कोई अंग खराब तो नहीं हो रहा है, बिगड़ तो नहीं रहा है। इस प्रकार के खराब, ढीले और निरोगी अंग के द्वारा किया गया कर्म मानव के जीवन में अपयश का कारण होता है। इसीलिए अपयश से बचने के लिए, यशोबल अर्थात यश और बल की प्राप्ति के लिए, हम अंग स्पर्श के द्वारा अपने शरीर के सब अंगों का निरीक्षण करते हैं। इसके द्वारा जो है हम जो है अपने शरीर के अंगों का निरीक्षण करते हैं और इससे बहुत लाभ होता है। इस विधि में जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जब अंगों का स्पर्श करते हैं और अंग स्पर्श की अवस्था में आते हैं तो हम अपने आप को जो अंग हैं उनका निरीक्षण कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं कि कोई व्यवस्थित कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ एक और बात का जो प्रेरणा का स्रोत है, जो महत्वपूर्ण है, कि बल का होना अनिवार्य है। इस बात की हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ध्यान आता है। और हमें बार बार जब नियमित रूप से इस बात का ध्यान आता है, तो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, सुना होगा कि अगर बार बार एक चीज़ होती है, दोहराई जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आंतरिक मन में, अवचेतन मन में बैठती है और धीरे 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 जो है अंदर से, जिस प्रकार प्राणायाम की विधि आवश्यक होती है संध्या के साथ, उसी प्रकार जो है जब ये प्रक्रियाएं आगे चलती हैं तो नवदा भक्ति में भी आता है कि परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए संध्या की उपासना करनी चाहिए, संध्या करना चाहिए। तो संध्या उपासना जब हम करते हैं तो इसमें यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने अंगों को जब स्पर्श करते हैं, अंग स्पर्श की क्रिया जब करते हैं, तो उसमें यह प्रेरणा मिलती है कि बल का होना अनिवार्य है। बल हो तभी हम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, वरना हम इतने अच्छे तरह से कार्यों को कर ही नहीं पाएंगे, व्यवस्थित तरह से नहीं कर पाएंगे, हमारी क्षमताएं उतनी नहीं होंगी कार्य करने की, और हम जो है अंत में पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, हानि देखनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन में जब और अगर सफलता भी मिलेगी तो उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको, जितनी मात्रा में उनकी काबिलियत होती है। इसीलिए
काबिलियत बढ़ाने के लिए, आपको काबिलियत के बराबर सफलता पाने के लिए, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए बल का होना अनिवार्य होता है। इसी के साथ बल की उपासना करें, बल भी प्राप्त करें, प्राणायाम करें, संध्या करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और पढ़ावें। हमारे इस तरह के अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।